भीड़ गुनेड़ के चार परिवारों ने समाज सेवी संजय कुमार के नेतृत्व में आकर वोटर कार्ड तथा आधार कार्ड पालमपुर मुख्य डाकघर से मुख्यमंत्री को पोस्ट किए हैं। इन परिवारों के बारे में जानकारी देते हुए संजय शर्मा ने बताया कि भीड़ गुनेड़ा के इन परिवारों सहित प्रदेश के सैकड़ों परिवारों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाओं से दरकिनार किया जा रहा है। इनके पास जमीन, घर, शौचालय या कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। संजय शर्मा सहित प्रभावित परिवारों के मुखिया रामलाल कौल सिंह बाबू ने बताया कि उन्होंने पहले ही उसके बारे में सरकार और प्रशासन को चेताया था। शर्मा ने कहा कि मजदूर तबके के ये लोग पत्थर तोड़कर अपना काम करते हैं। इनके पास ना अपनी जमीन है ना घर, केवल वोटर कार्ड है जिससे वोट डालते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य किसी सुविधा के लिए इनके पास पहचान पत्र मांगा जाता है, ऐसे में ये परिवार केवल वोट तक ही सीमित हैं। संजय शर्मा ने कहा कि अगर सरकार व प्रशासन जल्द ही कोई उचित कदम नहीं उठाता है तो पूरे प्रदेश में जल्द ही ऐसे परिवारों को एकत्रित करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैराग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए सरकार को चेताया था कि भैया आप, हम लोग आपको अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वापस भेज देंगे बाय पोस्ट। हाँ, क्योंकि आप लोग हमसे वोट तो ले लेते हो लेकिन अन्य सुविधाओं के नाम पर हमसे हमारी पुरानी पहचान पूछी जाती है। तो उसी सिलसिले में आज इन लोगों ने अपने जो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसको भी ऐसा वोटर आईडी कार्ड यूज़ किया जाता है आजकल। आधार कार्ड हर एक जगह वैलिड है सरकार के नियमों के अनुसार। तो आज इन्होंने वो बाईपोस्ट करके सीएम साहब को वो अपने आधार कार्ड जो है वो वापस भेज दिए हैं पालमपुर पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो उसी सिलसिले में आज लोग ये पालमपुर में इकट्ठा होंगे। और देखने वाली, इस मामले में सोचने वाली बात ये है कि ये लोग मजदूर तबके के लोग हैं और इनका कई सदियों से एक ही पेशा रहा है, पत्थर तोड़ने का और ये मैक्सिमम ये लोग जो हैं वो भीड़ की पहाड़ियों या उस जगहों पर सेटल्ड हैं कई सालों से, कई जब से ये संस्कृति, मानव संस्कृति आई है तब से। अब दिक्कत ये है कि इनके पास ना तो अपनी ज़मीन है ना घर है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड और ये आधार कार्ड ताकि ये वोट डाल सकें। अब वोट डालते टाइम तो इनसे पूछा नहीं जाता कि आप अपनी पुरानी पहचान लाइए। जब ये लोग सुविधा मांगते हैं तो ये लोग बोलते हैं, तो प्रशासन बोलता है कि भैया आप अपनी पुरानी पहचान लाएं। और इससे मतलब इनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका टोटली हनन हो रहा है। इवन स्कूल तक में बच्चों की एडमिशन के लिए शायद एक पटवारी की रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ एक दंपति आए हुए कौल सिंह जी, वो बता देंगे आपको। तो वहाँ पर इनको इतनी प्रॉब्लम आती है कि पटवारी रिपोर्ट देता नहीं, देगा भी कहाँ से कि इनके पास वो रिकॉर्ड ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नाम ही नहीं है कहीं भी। अब मेरा अपना मानना ये है कि जब आप लोग वोट ले लेते हो तो मुझे लगता है कि इन्हें सुविधाएं भी देनी चाहिए। राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, आधार कार्ड आपकी वो आइडेंटिटी है जो भारत सरकार ने मान्य की है कि आपको आधार कार्ड के बिना कोई परिवार रजिस्टर में नाम है पंचायत में। जी जी वहाँ है परिवार रजिस्टर है सर। जी जी वहाँ है, सुविधा कोई नहीं है। अगला अब सरकार अगर नहीं मानती है, प्रशासन नहीं मानता है, तो फिर एक स्ट्राइक की एक जरिया है। प्रदेश के इस तरह के और भी बहुत ज्यादा मामले हैं, तो उनको भी साथ में जोड़ा जाए। कोशिश कीजिए, सभी मामलों को मैं बता रहा हूँ कि कम से कम हजारों परिवार हैं जो इस तरह से जगह जगह किराए पर रह रहे हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और फिर धरना प्रदर्शन की अगर बात होगी तो जरूर किया जाएगा। फिर